everyone, this is Malti from evidyarthi.in. Let's get to question number 2. So question number 2 mein hai, multiply and reduce to lowest form. Multiply matlab ki hame do numbers ka product nikalna hai ya do fractions jo given hai uska product nikalna hai. Reduce to lowest form aur usko phir hame lowest form mein reduce karna hai. Lowest form ka matlab aapko pata hai ki agar wo kisi ek table mein aate to hum use cut karte hain. Theek hai? So start karte hain first part se. First part is 2 upon 3 into 2 upon 3. So this is 2 upon 3 into 2 upon 3. ठीक है? So यहाँ पे जो ये mixed fraction में है, पहले मैं इसे normal fraction में convert करूँगी. So ये हो गया 2 upon 3 into 3 into 2 is 6 plus 2 8 upon 3 because नीचे 3 है. अब again डोंट डू दिस मिस्टेक कि 3 को 3 से कट कर दिया 2 और 8 कट हो सकते हैं कर दो नहीं बिकॉज वो आमने सामने है हमें जो सामने सामने है उसको मल्टीप्लाई करना है सो इसको मल्टीप्लाई करेंगे दिस विल बी 2 इंटू 8 इज 16 3 इंटू 3 इज 9 ठीक है अभी कट तो हो नहीं सकते लेकिन क्वेश्चन में हमारे पास एक मिक्स फ्रैक्शन मिला तो हम इसको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं सो लेट्स डू इट 9 डिवाइडेड बाय 16 रैंकिंग टेबल में 16 तो आते नहीं है 9 टू जा 18 होता है मतलब 9 वन जा 9 सो 16 माइनस 9 इज 9 10 11 12 13 14 15 16 विच इज 7 ठीक है सो ये आ जाएगा हमारे पास नीचे 9 ही रहेगा बिकॉज यहाँ पे 9 है तो नीचे 9 ही रहेगा जो रिमाइंडर आया है वो ऊपर आ जाएगा और जो क्वेश्चन है वो आगे आ जाएगा ठीक है सो द आंसर इज 17/9 सो नाउ अब हम स्टार्ट करते हैं सेकेंड पार्ट सो नाउ सेकेंड पार्ट में वी हैव 2/7 इंटू 7/9 अब आपको पता है कि यहाँ पे हम ऊपर नीचे वाले को कट कर सकते हैं ये भी 7 है ये भी 7 है तो ये दोनों कट हो जाएंगे एंड दोनों के पास क्या बचेगा 1 1 सो 2 इंटू 1 इज 2 1 इंटू 9 इज 9 सो दिस इज द आंसर ठीक है थर्ड पार्ट में हमारे पास है 3/8 इंटू 6/4 इसको मल्टीप्लाई करते हैं मल्टीप्लाई करने से पहले यू कैन सी यहाँ पे 6 और 8 कट सकते हैं सो 6 इंटू 6 और 8 कैसे कट होंगे दिस इज 2 3 6 एंड 2 4 8 सो 3 इंटू 3 9 4 इंटू 4 16 अभी आगे रिड्यूस नहीं हो सकते इसी का ही सेकेंड मेथड है कि जैसे मैंने पहले कट किया अगर हम पहले कट ना करें तो अगर मैं इसको लिखूं 3 इंटू 6 इज 18 अपॉन 8 इंटू 4 इज 32 सो अब मेरे पास आ गया 18 और 32 ये दोनों 2 के टेबल से कट हो सकते हैं तो अगर हम इसे कट करें तो ये आ जाएगा 9 एंड दिस विल बी 1 एंड 6 बिकॉज ये 12 हो जाएगा ठीक है सो अब आ गया 9 अपॉन 16 और जो हमारा पहले आंसर था वो क्या था 9/16 सो आप पहले कट करो या पहले मल्टीप्लाई करो फिर कट करो दोनों से सेम आंसर आएगा ठीक है यू कैन डू एनी ऑफ दिस अब आ जाते हैं फोर्थ पार्ट पे फोर्थ पार्ट है 9/5 इंटू 3/5 सो नाउ ना तो 9 और 5 कर सकते हैं ना ही 3 और 5 ना ही 9 और 5 और ना ही 5 और 3 सो ये कट नहीं हो सकता डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देते हैं 9 इंटू 3 इज 27 5 इंटू 5 इज 25 सो अब यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा 27/25 देन कम्स द फिफ्थ पार्ट में हमारे पास है 1/3 इंटू 15/8 अब इसमें फिर से आप देख सकते हो 3 और 15 कट हो सकते हैं बिकॉज 3 3 के टेबल में आता है 15 भी 3 के टेबल में आता है सो ये हो गया 1 3 1 3 और 15 कब आता है 3 5 15 सो दिस इज 5/8 ठीक है सो आंसर हो गया 5/8 नाउ लेट्स कम टू द सिक्स्थ पार्ट तो मैं सिर्फ कर रही हूँ आई होप आपने आंसर्स लिख लिए होंगे एंड आपको खुद ही आ गया होगा करना ठीक है सो अब सिक्स पार्ट पे
we have 11 upon 2 and 3 upon 10. ठीक है, अब ना तो 11 और 2 कट सकते हैं, ना ही 3 और 10 कट सकते हैं, और ना ही ये डायगनली कट सकते हैं, मतलब हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. सो 11 इंटू 3 इज 33 एंड 2 इंटू 10 इज 20. अब यहां पे भी ऑब्वियसली जब ऊपर नहीं कटे तो ये भी रिड्यूस नहीं होंगे. सो दिस इज दी ऑलरेडी लोएस्ट फॉर्म, बिकॉज इससे हम नीचे से नहीं कर सकते. कमिंग टू द सेवेंथ पार्ट, सेवेंथ पार्ट वी हैव 4 बाय 5 इंटू 12 बाय 7. ठीक है, ऊपर नीचे कट नहीं हो रहा, सो लेट्स मल्टीप्लाई. 12 इंटू 4 इज 48, 5 इंटू 7 इज 35. So the answer is 48 upon 35. ठीक है, with this हमारा question number 2 complete हो गया है. Let's come to question number 3.